जंगल में चारों ओर कोहराम मचा हुआ था। कुछ ही देर पहले शिकारी लोग जंगल के कई जानवरों को पकड़कर अपने साथ शहर ले गए थे, जिस कारण शेर सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया था। मेरी शेरनी को ले जाने वाले, मुझे कसम है माँ भवानी की, तू उसे कहीं भी छुपाएगा, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर वापस जंगल में लेकर आऊंगा। ओए शेर सिंह, मैंने तो सुना है कि परछाई जी को शिकारी लोग पाकिस्तान उठा के ले गए हैं। क्या साड़ी शेरनी को पाकिस्तान लेकर गए हैं? बल्लू, अब तक तो हम कहते थे दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, पर अब मैं ये ऐलान करता हूँ कि जब तक मैं अपनी शेरनी को पाकिस्तान से छुड़ा कर वापस नहीं ले आऊंगा, तब तक जंगल में वापस कदम नहीं रखूंगा। माँ भवानी की सौगंध है मुझे। कसम खाकर शेर सिंह पाकिस्तान जाने के लिए रवाना हो जाता है। कई दिनों चलने के बाद शेर सिंह पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुँच जाता है, जहाँ पाकिस्तानी आर्मी लोग पहरा दे रहे थे। ओए अफजल खान, हमने सुना है कि हिंदुस्तानियों ने अपने जंगल में चीते खरीदे हैं। हाँ, मगर हम पाकिस्तानियों ने अपने घर की सजावट के लिए शेर खरीदे हैं। शेर खरीदे हैं? किसने? अशरफ अली ने। आज एक नई शेरनी खरीद कर लाए हैं मियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अबे खबीज के बच्चों, शेरनी को लेने अशरफ अली का बाप शेर सिंह पाकिस्तान आ पहुँचा है। अब बचा सके तो बचा ले अपने आका को। फिर शेर सिंह हमला करके दोनों को घायल करके पाकिस्तान की सीमा में घुस जाता है। तब घायल अफजल खान अपने कमांडर को संदेश देता है। डेल्टा टू अल्फा, डेल्टा टू अल्फा, जनाब अफजल खान बोलता हूँ। जनाब, हिंदुस्तान का एक शेर हम दोनों सिपाही को घायल करके अशरफ अली के घर की ओर जाने के लिए रवाना हो चुका है। ओवर एंड आउट। चलते चलते जब शेर खान सीमा रेखा के करीब वाले गांव में पहुंच जाता है, तो वहां देखता है कि कुछ आतंकवादियों ने छोटे से बच्चे को अगवा करके रखा है। अम्मा मुझे बचा लो, अब्बू मुझे बचा लो, अम्मा अम्मा अम्मा। अगर बच्चे की जान प्यारी है तो 10 लाख रुपए दे दो, वरना बच्चे को मार दिया जाएगा। अल्लाह के वास्ते मेरे बेटे को छोड़ दो, हम गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे नहीं है तो पैसों का इंतजाम करो, और जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो कह देना तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा, और तब तक ये बच्चा हमारे साथ रहेगा तुम्हारी अमानत बनके। या अल्लाह, मेरे बेटे को कोई छुड़ाओ, या अल्लाह कोई चमत्कार दिखाओ, मेरे बच्चे को इन दरिंदों से छुड़ाओ, या अल्लाह कुछ चमत्कार दिखाओ। अबे खबीज की औलाद, जान प्यारी है तो बच्चे को छोड़ दे। कौन मारेगा हमें? तू? अबे मैं अशरफ अली का गुर्गा हूँ, तू जानता है अशरफ अली कौन है? शायद तू तारा सिंह को नहीं जानता। तारा सिंह, अबे अशरफ अली की बेटी का शौहर, जिसने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे तंबू बम्बू और हैंडपंप सब उखाड़ दिए थे, पहचाना? हाँ, वो हिंदुस्तानी ना? हाँ, वो भी एक हिंदुस्तानी था और अपुन भी एक हिंदुस्तानी है। उसका हाथ भी 2.5 किलो का था और अपुन का भी 2.5 किलो का ही है। तुझे आखिरी मौका देता हूँ, जान प्यारी है तो बच्चे को छोड़ कर यहाँ से चला जा। भाईजान, ये हिंदुस्तानी बड़े जिगर वाले होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पैसे तो फिर भी मिल जाएंगे, अगर जान चली गई तो कहाँ से लाओगे मियाँ? तू ठीक कहता है मोमिन खान, यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई है। दोनों दहशतगर्द बच्चे को छोड़कर भाग जाते हैं। माँ ले ले तेरे पुत्र को। माँ अपने बेटे को लेकर शेर सिंह को दुआएं देती है। शेर सिंह आगे बढ़ता है। उधर अशरफ अली के घर पर हाथ में चाबुक लिए ट्रेनर शेरनी को ट्रेनिंग दे रहा है। जंप जंप। ओए लाले, शेरनी तो बहुत अच्छी लाया है, अब कहीं से एक शेर भी ला दे तो दोनों की जोड़ी बन जाए। दूसरी ओर शेर सिंह अपने शेरनी को छुड़ाने के लिए अशरफ अली के घर की ओर जा रहा है, तब रास्ते में उसे पाकिस्तानी आर्मी लोग घेर लेते हैं। रुक जा बे कुत्ते, तेरी इतनी औकात कि तू हमारे मुल्क में यहाँ तक पहुँच जाए? अबे शुक्र मना कि तू अभी तक जिंदा है, तुझे ऊपर नहीं पहुँचाया है। और रही बात औकात की, तो अब उनकी औकात तुझे ऊपर तक पहुँचाने की भी है, समझा क्या? अबे चुप हो जा खबीस के बच्चे, अपने आप को सनी पाजी समझाए क्या? ए पकड़ लो इसे,
और जरा सी भी चालाकी करे तो सारी गोलियां इसके सीने में उतार दो। पाकिस्तानी आर्मी शेर सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर उसे पिंजरे में कैद कर अशरफ अली के यहाँ लाते हैं। आदाब जनाब, ये हिंदुस्तानी कुत्ता हमारी सरहद में घुस आया है। ये आपकी शेरनी का शौहर है और ये कहता है कि इसकी औकात हमें ऊपर तक पहुंचाने की है। हम अपने घरों में कुत्तों की जगह शेर पालते हैं, इसीलिए इसकी औकात हमारे घर में कुत्ते से ज्यादा नहीं है। इसे यकीन दिलाने के लिए इसकी कुतिया को पेश किया जाए। ट्रेनर हाथ में चाबुक लिए शेरनी को अशरफ अली के यहाँ लेकर आता है। शेर सिंह, रूपा, शेर सिंह, रूपा, तुम मेरे लिए पाकिस्तान तक आए? अरे पगली, तेरी जान बचाने के लिए अपुन पाकिस्तान से क्या यमराज से भी भिड़ जाएगा। सो स्वीट, आई लव यू शेर सिंह। आई लव यू टू डार्लिंग। ओए, अब तुम दोनों का इलू इलू खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात करें। ट्रेनर, कल से इस कुत्ते के भी ट्रेनिंग शुरू कर देना। कुत्ते, अपनी जबान को लगाम दे। अब उनका 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ता है ना, वो उठता नहीं है, उठ जाता है। चुप हो जा गुस्ताख, वरना तेरी शेरनी को यही ढेर कर दूंगा। नहीं नहीं अशरफ अली, तू चाहे अपुन की जान ले ले, पर अपुन की शेरनी को हाथ भी मत लगाना। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। हाँ अशरफ अली, आप उनके शेरनी को बचाने के लिए तू अपुन से जो कहेगा अपुन करेगा। ठीक है, तो फिर बोल, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोल। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बार और बोल। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोल, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है अशरफ अली, अब तुझे मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। फिर शेर सिंह अशरफ अली के हैंड पंप को उखाड़ कर अशरफ अली के कंधे पर रख कर उसको धमकी देता है। अबे हिंदुस्तान के रहमो करम पर पलने वालों, हिंदुस्तान के शेर को पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, आइंदा हमारे कुत्तों को भी पकड़ा तो हैंड पंप हिलाने के काबिल भी नहीं रहोगे। शेरनी, पहले तुम निकलो यहाँ से। अबे कुत्ते लोग, गलती से भी हमारा पीछा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सनी पाजी ने तो तुम्हारे गुरूर को चकनाचूर किया था, मगर मैं तो तुम्हारी सल्तनत को ही खत्म करके रख दूंगा। चलता हूँ। जय माता दी। फिर शेर सिंह अपनी शेरनी को गर्व से वहाँ से लेकर हिंदुस्तान जाने के लिए निकलता है। सारे पाकिस्तानी देखते रह जाते हैं और जैसे ही शेर सिंह अपनी शेरनी को जंगल में लेकर आता है, सारे जानवर खुशी से झूम उठते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।